मेरे प्रिय दोस्त, इस संसार में जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, क्या खेल चल रहा है? इस दौर में शैतान का टारगेट सिर्फ आप हैं। मैं फिर से कह दूं, सिर्फ आप। शैतान आपके सामने नशे रख रहा है ताकि आप बर्बाद हो जाएं, आपका परिवार बर्बाद हो जाए और अंत आपकी आत्मा हमेशा के लिए नरक की आग में बर्बाद हो जाए। एक दूसरे के साथ लड़ना, झगड़ना, नफरत करना, माँ बाप का आदर ना करना, भगवान का मजाक उड़ाना, बड़ों का मजाक उड़ाना, शराब पीना, सिगरेट पीना, लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के पीछे भागना, गलत काम करना आज फैशन बन चुका है। क्यों? क्योंकि यही सब तो सीख रहे हैं इंटरनेट से, टेलीविजन से और आजकल के गानों से, पर आप इसका अंजाम नहीं जानते हैं। ये सब आपको एक दिन बहुत रुलाएगा, बहुत ही ज्यादा दर्द देगा और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगर आप में ये सब बातें हैं जो मैंने ऊपर बताई हैं, तो आप एक बहुत ही भयंकर बीमारी के शिकार हैं और वो बीमारी है पाप। जी हाँ, पाप। पाप एक ऐसा कैंसर है जो आपकी आत्मा को बहुत ही बुरा मारेगा। तो क्या पाप की बीमारी का कोई इलाज है? आप कहीं भी चले जाओ, कुछ भी करो, कहीं भी जाके भक्ति कर लो, पर आप पाप से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, क्योंकि यीशु के अलावा और कोई भी आपके पाप, आपके गुनाह माफ नहीं कर सकता है। पर यह अधिकार सिर्फ यीशु के पास है। क्यों? क्योंकि उसने आपके पाप का दाम चुकाया है। अगर मैं आपसे कहूं कि परमेश्वर के पास आ जाओ और अपने पाप जो आप छुपा नहीं सकते हैं उसका इकरार करो, तौबा करो, पश्चाताप करो, बुरे काम छोड़ो, नशा छोड़ो, तो आप शायद कहेंगे कि हाँ, अच्छी बात है, सोचेंगे इसके बारे में। अभी टाइम नहीं है। क्या अभी टाइम नहीं है? अरे भाई, कब सोचोगे? कब आपका टाइम आएगा? जब चार लोग आपको कंधे पे उठाकर ले जा रहे होंगे तब आपका टाइम आएगा? जब न्याय के लिए आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तब आपका टाइम आएगा? जब परमेश्वर आपको के हवाले करेगा तब आपका टाइम आएगा? जब आपको नरक में डालेगा तब आपका टाइम आएगा? जब दर्द देने वाले कीड़े आपके मुंह से घुसकर आपके कानों से, आपकी आंखों से, आपके नाक से बाहर आएंगे तब आपका टाइम आएगा? जब आग में जलते हुए आप पानी के एक बूंद के लिए तरसोगे तब आपका टाइम आएगा? जब आपके शरीर को नोचेंगे क्या तब आपका टाइम आएगा? कब आपका टाइम आएगा भाई, कब? मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, पर आपको वार्निंग दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये अटल सच्चाई है, यही सत्य है। उस दर्द में आप चिल्लाओगे, माफी मांगोगे, एक और चांस मांगोगे, लेकिन दुख की बात है कि तब नहीं सुनी जाएगी। पर हां, अब सुनी जा सकती है। इससे पहले कि आप हमेशा की पीड़ा में या कष्ट में जाएं, लौट आओ यीशु के पास, क्योंकि यीशु ने आपके हर गुनाह के लिए, आपके हर पाप के लिए अपना खून बहाया है। जो दाम आपको चुकाना था अपने पाप के लिए, वो उसने ऑलरेडी चुका दिया है। यीशु तो पाहें फैला के आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। जब आप अपने बुरे काम छोड़कर उसके पास आएंगे तो वो आपको अपनी बाहों में ले लेगा और कभी भी आपके ऊपर दोष नहीं लगाएगा, वरन बहुत खुश होगा, बहुत खुश होगा, क्योंकि वो आपको नरक में देखना नहीं चाहता है। वो आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो आपको चांस दे रहा है। जी हाँ, आपको चांस दे रहा है। गॉड ब्लेस यू।